सावन की फिर वो घड़ी है। दीज आर द स्मॉल फन दैट यू इन्जॉय। मुझे लगा मैं ऐसे ही कुछ कपड़ा पहन के आई हूँ, तो मुझे अभी उसके साथ साथ ये गाना याद आया। ऑल द ऊटपटांग चीज़ों में मुझे बड़ा मज़ा आता था, छतरी पलटी भी हो जाए तो और लड़कियाँ बेचारी लाचार क्यूट लगती। फट्टे इन्जॉय करिए ये रेन। मैं तो बहुत इन्जॉय करती हूँ सिवाय लॉन्ग ड्राइव के, जो कि मैं नहीं जाती, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत डेंजर लगता है। पर ये जो जगह है जहाँ पे हमारा शूटिंग चल रहा है, इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल, स्पेशली ड्यूरिंग द रेन्स। आप देख सकते हैं पीछे समंदर और वादियाँ और बॉम्बे जैसे, यहाँ पे मतलब ख़त्म हो रहा है, इसके बाद ही बस समंदर स्टार्ट हो रहा है। इट इज़ सो ब्यूटीफुल। तो मुझे यहाँ पे आके एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शूटिंग के साथ साथ मैं यहाँ पे बारिश का भी मज़ा ले रही हूँ। मैं भी बहुत इन्जॉय करती थी बारिश होते ही, गीले होने के लिए निकल जाती थी। बारिश होने से सडन हॉलीडे हो जाता था स्कूल में। तो एक दिन मुझे याद है कि स्कूल गई थी और सडनली धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा और दिन में लाइट ऑन करना पड़ा। मेरे लिए वो बहुत, मतलब वो एक्साइटमेंट वाला दिन था कि वाह स्कूल में हम लाइट ऑन करके बैठे हैं। इट वाज सो फनी, मतलब मैं सोचते तो उसमें क्या इन्जॉयमेंट लगा मुझे। फिर एक दिन तो इतनी बारिश होने की संभावना थी उस दिन कि हमने बोला कि घर चले जाओ। तो वो जो सडन हॉलीडे होना वो बहुत मज़ेदार था। फिर स्कूल जब जाते थे मेरे जूते मोजे सब गीले हो जाते थे, तो क्लास में जाके जूता मोजा उतार के खाली पाँव बैठती थी, खाली पाँव घूमती थी, मुझे उसमें भी बड़ा मज़ा आता था। सो ऑल द ऊटपटांग चीज़ों में मुझे बड़ा मज़ा आता था। बट ऑब्वियसली आई थिंक दीज आर द स्मॉल फन दैट यू इन्जॉय। अभी जैसा लगता ई गीला हो गया, वो गीला हो गया, तब गीले होने में ज़्यादा मज़ा आता था। अभी उतना गीला होना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों, एक्चुअली बहुत दिन हुई नहीं गीला। और एक्चुअली ये है कि आप जब नहीं होते हो गीला तो लगता है कि गीले हो जाऊंगी, पर आप एक बार स्टार्ट कर देते हो उसके बाद आप गीले हो सकते हो आराम से। मतलब मैं आप लोगों को कितना क्या करूँ, खुश करूँ दुखी करूँ, मुझे बारिश में खिचड़ी खाना बहुत पसंद है, उसके साथ मच्छी फ्राई खाना बहुत पसंद है। यहाँ पर मैं पक्की बंगालन हूँ, लेकिन मुझे पकौड़ी खाना उतना पसंद नहीं है शायद। एक्चुअली मुझे, मैं सोचूं तो कभी भी उतना नहीं था, मुझे वो तला हुआ चीज़ मैं कभी नहीं पसंद करती थी, पर बारिश के टाइम पे मैंने सुना है और सभी, मतलब सेट पे तो शाम को पकौड़ियाँ मंगवाया जाता है कि आज पकौड़ी खाएंगे, मतलब प्याज का पकौड़ा एंड ऑल। तो मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन मैं इंजॉय करती हूँ लोगों को देखते हुए, क्योंकि वो सब कुछ मिला के बारिश का माहौल तैयार होता है। लगी आज सावन की फिर वो घड़ी है। मुझे लगा मैं ऐसे ही कुछ कपड़ा पहन के आई हूँ, तो मुझे अभी उसके साथ साथ ये गाना याद आया। प्लीज़ आई लाइक टू विजिट इन माई बैल्कनी, नो नॉट लोनावला। मुझे लगता है जैसे मैंने कहा है कि बहुत मुझे ड्राइव करना होता पसंद नहीं, मुझे लगता है बहुत पानी पानी में बहुत रिस्की हो जाता है ड्राइव करना। तो मैं बहुत देखिए मतलब एकदम बोरिंग, मुझे मेरा बालकनी सबसे पसंद है, और बालकनी में बैठ के सबको गीले होते हुए देखना बहुत पसंद है मुझे। और पसंद है ऑब्वियसली गाड़ी में शहर के अंदर ड्राइव करना, ये एक अलग चीज़ है। लोग तो वादियों में ड्राइव करना पसंद करते। मैं फर्स्ट डे जिस दिन बारिश हो रही थी, मैं ड्राइव करके जा रही थी और मैं देख रही थी सब लोग खड़े खड़े गीले हो रहे थे, तो मैं एक्चुअली रुक रुक के देख रही थी लोगों को कि कितना इन्जॉय कर रहे हैं वो लोग गीले हो के। तो मुझे मतलब उन लोगों की खुशी बस मुझ तक पहुँच रही थी, वो वाले वो जो फेज़ है मुझे वो इन्जॉय करना पसंद है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव में जाना नहीं, सिर्फ ट्रैफिक जैम का, क्योंकि थोड़ा बहुत ट्रैफिक जैम ज़्यादा बढ़ जाता है। आज मैं बहुत लेट हो गई, तो बहुत लेट हो गई मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं एक घंटा डेढ़ घंटा ट्रैफिक में थी, जबकि मुझे टाइम लगता है 40 मिनट। तो इसका एक डिसएडवांटेज है, एंड बट देन आई थिंक अलॉन्ग विथ सो मेनी एडवांटेजेस दैट मुंबई प्रोवाइड्स अस, एंड अलॉन्ग विथ सो मेनी एडवांटेजेस एंड ब्यूटी दैट बारिश प्रोवाइड्स अस, थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज ठीक है चलता है। रेनी सीजन लुक ग्रीन ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल डिफरेंट स्मेल, सौंधी सौंधी खुशबू, ऑल दोज थिंग्स मेक्स अ रेनी सीजन फॉर मी। छतरी
रेनकोट मुझे लगता है चिपक जाता है बॉडी में, अंदर पसीना आ जाता है, एकदम गर्म होता है, और वो उतारते टाइम तो ऐसा लग रहा था, लगता है चमड़ी निकाल रहे हो खींच के, उल्टा हो जाता है, और फिर गीला उसको कैसे आप फोल्ड करोगे समझ में ही नहीं आता है। तो छतरी इज़ वेरी नाइस, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल, इट लुक्स वेरी रोमांटिक, और अगर छतरी पलटी भी हो जाए तो और लड़कियाँ बेचारी लाचार क्यूट लगती फैंस को ये मैसेज देना चाहूँगी कि मेरे जैसे बोरिंग होने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा तला भुना खाइए, लेकिन घर का बना के खाइए, बाहर का मत खाइए, और बाकी जस्ट फट्टे एंजॉय करिए ये रेन, क्योंकि 3 ही महीनों के लिए ये बारिश होती है, और बारिश में गीले होने से बहुत स्किन डिजीज़ नहीं होता है, सो जस्ट गो ऑल आउट एंड एंजॉय द रेन। लगी आज सावन की फिर वो हरी।